पर काफी भव्य मेला यहाँ पर लगता है। लोग यहाँ पर आकर के मुंडन और जो भी मन्नत होती है मन्नत के तौर पर अपना यहाँ पे पूजा प्रसादी करते हैं। काफी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम आपको यहाँ की जो दर्शनार्थी है दर्शनार्थियों से रूबरू कराएंगे और एक बाबा जी खड़े हैं देखिए पूं पूं करके बजा रहे हैं, इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। अच्छा जी, ये बाबा महाराज के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताइए, क्या मतलब यहाँ पे किस तरीके के लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसे है? बहुत दूरी से आवे तो एक जो तथ्य है यहाँ पर जो सुनने को मिलता है अक्सर करके कि यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा, कोर्ट कचहरी के फैसले जल्दी हो जाते हैं। गाँव पे पड़ता है कुराव के आगे। बाबा महाराज के बारे में बताइए, मतलब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सत्य है? यहाँ पे मनोकामना तो पूरी होती है, सत्य होती है। आप भी यही सुनते हैं, आप किस कब से आ रहे हैं दर्शन करने? हम साल भर से आ रहे हैं। साल भर सत्यता है कि मान्यता होती है, इसलिए माना जा रहा है जी, इसलिए लोग लेके आते हैं। सुगड़ी का संजू जी, आप बाबा महाराज पर आई हुई है, क्या खासियत है और आप पहली बार आई है तो कुछ आपने सुना होगा इसके बारे में तथ्य? तो 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 आज आपने कोई मन्नत मांगी बाबा महाराज से? नहीं, पहली बार आप आई है, कुछ आपने इनके बारे में सुना था कि यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कुछ तो आपने मांगा होगा, हम पूछ नहीं रहे कि आप बताइए, लेकिन कुछ तो मांगा जी। अभी क्या करती हैं आप? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप टीचर बनेंगी, बाबा महाराज से मेरी भी मनोकामना है। हम क्या के लिए